करें क्या स्टार्ट? सेक्शन 12 का क्वेश्चन सॉल्विंग करना स्टार्ट। किसके रिलेशन में था सेक्शन 12? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। बैठ जा, किधर बैठ जा, क्वेश्चन दे आज शांति से कर। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट्स, वॉट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस? एरिया के बेसिस पे, वो ब्रिज बनाया था वैसा वाला एग्जाम्पल है, एरिया के बेसिस पे। तो इसमें दो चीजें लिखनी पड़ेगी, सबसे पहला 12 सबसेक्शन 3 और उसके बाद उसका वो प्रोवाइजो लिखना पड़ेगा। और 12 सबसेक्शन 3 सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो रेलेवेंट चीज है उतना ही लिखना। ए वाला चीज रेलेवेंट है तो ए लिखेंगे। एज पर सेक्शन 12(3) ऑफ द IGST एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड, लिखो उसमें इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स कॉमा इंटीरियर डिजाइनर्स कॉमा इंटीरियर डिजाइनर्स। और आगे का मत लिखना अभी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे और एक वर्ड डाल सकते हैं अपन। क्या डाल देंगे? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डाल दो, कॉमा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्सेट्रा। शैल बी द लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, शैल बी द लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। ईजी है, अगर होटल का एग्जाम्पल आता तो भी सेम होता, हाउस बोट का आता तो भी सेम होता। अगले पेज पे आ जाओ, इसमें लिखना पड़ेगा वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट्स द सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच सच रिस्पेक्टिव स्टेट इन द प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और प्रपोर्शन कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लिख देते हैं यहां पर द प्रपोर्शन विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ईच सच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी। क्लियर? अच्छा, तुम्हारा अगला टेस्ट IDT का है ना, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, तो उसके साथ में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी डालने वाला हूँ। पच मत कर यार, छोटा चैप्टर है टाइम एंड वैल्यू। हाँ तो उल्टा हो जाएगा ना एक बार का, मतलब क्यों नहीं होगा? अभी 3 दिन है और, तो क्या हुआ? अरे टाइम एंड वैल्यू अभी 5 मिनट पे हो जाएगा अगर बताओ तो मैं। अरे अभी वो तुमको खाली वो चार्ट पढ़ना है पीछे का। अच्छा मैं तुमको पूछ नहीं रहा हूँ, वैसे है ही ऐसा बोल रहा हूँ तुम जस्ट किसमें
चलो ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ ले लेंगे उसको। टिकट प्राइस चेंज हो गया, 230 है ना, पहले कितना बोला था 170, वो थोड़ा स्कैम हो गया, नकली टिकट पहले मिल रहे थे 170 में, तो वो हमने लिए नहीं, अच्छा हुआ वैसे, नहीं लिए नहीं लिए, नकली टिकट नहीं लिए, तो अभी असली टिकट 230 में मिल रहा है, तो 230 के हिसाब से सब लोग बोलते हैं ना जिसको आना है वैसा। थ्री पॉइंट टू, बैठ बैठ बैठ, क्या नहीं नहीं बुक नहीं किया, 3.2, मिस्टर महेंद्र गोयल एन इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर हरीश इन रिलेशन टू हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांजैक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। लोकेशन ऑफ महेंद्र गोयल बोला है दिल्ली, लोकेशन ऑफ मिस्टर हरीश जैन बोला है मुंबई, एंड लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बोला है न्यूयॉर्क। वॉट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बोलो इसमें सप्लायर कौन है? महेंद्र गोयल इज द सप्लायर, रेसिपिएंट कौन है? हरीश जैन, और प्रॉपर्टी किधर लोकेटेड है? इंडिया में आता है कि न्यूयॉर्क? बाहर आता है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, याद आ रहा है क्या? इफ द लोकेटेड इज, इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोला। एज पर सेक्शन 12(3) ऑफ द IGST एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले वो लिख देते लाइन अपना क्या आएगा उधर, इंक्लूडिंग सर्विसेज बाय आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनर्स, इंक्लूडिंग सर्विसेज बाय Architects and interior designers shall be the location of such immovable property. Shall be the location of such immovable property. क्लियर है आर्यन? इधर नीचे लिख दिया, प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो इन द करंट केस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी मुंबई, लोकेशन ऑफ मिस्टर हरीश जैन। ठीक है, समझा? इजी है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि तुमको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले, ऐसे लेवल के क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो 50% बच्चे गलती करके आ जाएंगे और डाल देंगे लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क, जिन्होंने ढंग से प्रोवाइजो नहीं पढ़ा होगा। तुम लोग ये गलती करने वाले हो गया? कोई ये गलती नहीं करेगा। अगर इंडिया के बाहर है, और कुछ भी रैंडम अजम्पशन मत लेना, ऐसा मत मान लेना कि न्यूयॉर्क इंडिया में। Fine houseboat service company located in Kerala provides service of accommodation in a houseboat to Mr. Hari. Consideration charge was 2 lakhs. Houseboat spent 8 hours in the backwaters of Kerala and another 12 hours in Tamil Nadu. Determine the place of supply and corresponding tax liability in the following case. Question ढंग से पढ़ के आना, इसमें क्या पूछा है? Tax liability, तो अपने को बोलना पड़ेगा interstate supply है कि intrastate supply है। चलो बताओ इसमें टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी? स्प्लिट करना पड़ेगा पहले तो। अच्छा, हाउस बोट के केस में भी सेम होता है, जहां पे हाउस बोट लोकेटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 8 घंटा इट इज लोकेटेड इन केरला एंड 12 घंटा इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो कौन से रेशियो में बटेगा? 2:3 के रेशियो में बांट के आ जाना, 2 लाख बटेगा 2:3 के रेशियो में। ठीक है, एज पर सेक्शन 12(3) ऑफ द IGST एक्ट 2017 place of supply of service directly in relation to immovable property, और आगे अभी कौन सा पॉइंट लिखेंगे? बी वाला, बी वाला, बी वाला।
क्योंकि अभी वो रेलेवेंट नहीं है ना, नीचे वाला रेलेवेंट है. बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन इन अ होटल इंक्लूडिंग अ हाउस बोट, इंक्लूडिंग अ हाउस बोट शैल बी क्या लिखे इसमें, शैल बी द लोकेशन वेयर सच होटल और हाउस बोट इज लोकेटेड. क्लियर? आगे वो जो आर्स वाला रेशियो है वो सिंपल भाषा में कैसे लिख सकते हैं बताओ जरा, थोड़ा इसके रिलेवेंस में लिखो. ये वाला अपन ऊपर लिखा ना, इन केस वेयर हाउस बोट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ऐसा लिखे उसमें. इन केस वेयर द हाउस बोट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये काम कर सकते, लिखते रहते हैं इसको. इन केस वेयर द हाउस बोट इज लोकेटेड इन केस वेयर द हाउस बोट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट्स, लिख रहा है ना, द सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी अपोर्शन्ड इन द प्रपोर्शन ऑफ, क्या प्रपोर्शन लेंगे, टाइम स्पेंट बाय द हाउस बोट इन ईच सच स्टेट. और एग्जाम में ये टाइम स्पेंट हाईलाइट कर देना ताकि इजीली मिल जाए एग्जामिनर को. नीचे कैलकुलेशन कर ले, टाइम स्पेंट इन केरला इक्वल टू कितना है, 8 hours ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. और अपनी सप्लायर ऑफ लोकेशन किधर है, ये फाइन हाउस बोट भी केरला में लोकेटेड है ना, देयरफॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू आठ बाय बीस विच विल बी इक्वल टू रुपीज अस्सी हजार. क्या हो गया, ये सब लोग फोन मत वापरो रहे, जिस जो काम कर रहे सब लोग ही फोन यूज कर रहे. हाँ उसको बोल बाद में बात कर. 80,000 अच्छा, व्हाट विल बी दिस बी ट्रीटेड एज, इंटरेस्ट रेट. आगे लिख देते, दिस विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम में. इसमें और एक पॉइंट ऐड कर देंगे, रेट दे देंगे और तुमको टैक्स का अमाउंट भी निकाल के आना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल है. एक CGST में डाल देना और एक केरला GST में डाल देना. अगर गलती से उसको SGST लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. और सेकंड, टाइम स्पेंट इन तमिलनाडु
कितना है? 12 आवर्स. और इसका वैल्यू? दिस विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. और उस चीज़ को तुमको अंडरलाइन और हाईलाइट करना होगा जो भी कर रहे हो. समझा आर्यन? यस. क्या है वो? बोलो कुछ डाउट. हाँ हाँ बस डन. बढ़े आ गया. चलेगा चलेगा. Messrs XYZ Tours Limited based in Mumbai enters into a contract with Messrs ABC chain of restaurants registered place in Delhi to provide breakfast to its customers in ABC restaurant Mumbai. Determine the place of supply. Restaurant service की बात हो रही है. कौन सा section लगता है इधर? 12-4. Restaurant service, healthcare service, fitness service, personal grooming service, beauty treatment service. इन सब सर्विस के केस में place of supply क्या बन जाता है? Where service are performed, simple. जहाँ पे service perform किया, that place. तो इस केस में place of supply shall be the place where services are rendered, that is Mumbai. As per section 12-4 of IGST Act 2017, place of supply of सर्विस. एक कौन सा सर्विस है? रेस्टोरेंट सर्विस लिख देते हैं आप. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस शैल बी. क्या होगा? शैल बी द लोकेशन वेयर शैल बी द लोकेशन वेयर सर्विस इज प्रोवाइडेड. इजी. तो बाहर ही मानना पड़ता. उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है. नहीं, अगर ये आउटसाइड इंडिया होता तो आउटसाइड इंडिया मान के आना. वो आउटसाइड इंडिया का कंडीशन खाली एक ही सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर लोकेटेड थी. इधर ऐसा लिखा था क्या? चाहिए तो अपने लिए लिख दे उधर. हाँ, इफ द लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया स्टिल द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया. समझा है? पीछे ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकते एग्जाम में. इधर ही लिख दो. नहीं ऑब्वियसली, अगर तू 12-3 से कंपेयर करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए लिख देता हूं इधर मैं. तुम लोग भी लिख दो 12-4 में जाके. इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, सॉरी इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया place of supply will also be outside India. Place of supply will also be outside India. ठीक है. और ये सब चीजों के लिए applicable है. पहला वाला छोड़ के. हाँ वो वाला छोड़ के आ जाओ. next question. जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की वही चेक करना है, इधर फर्क ही नहीं पड़ता है. ये लोकेटेड किधर है? रजिस्टर्ड प्लेस क्या किधर क्या किधर किधर दिल्ली में फर्क ही नहीं पड़ता ना उससे. मुंबई बन जाएगा. वो दिवेश का एग्जांपल था लोन वाला.
ए इधर एक मिनट, ये गलत लिखा गया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेशन सर्विस प्रोवाइडर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेशन मुंबई। अरे ये आईजीएसटी होगा ना रे, क्योंकि वो किधर लोकेटेड है? सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बराबर है, लेकिन टैक्स कौन सा लगेगा इसमें, क्योंकि वो किधर रजिस्टर्ड है? दिल्ली बोल दिया ना इधर, इसलिए ये कट करना प्लीज। थ्री पॉइंट फाइव पढ़ रहे आर्यन क्या? इंपैक्ट कॉमर्स अकेडमी लोकेटेड इन गुजरात प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू वेरियस पर्संस एट इट्स ट्रेनिंग सेंटर इन गुजरात एज गिवन बिलो। परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ट्रेनिंग सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? ये वो बी टू बी वाला है क्या? बी टू बी वाला है, तो अगर रजिस्टर्ड रहा सामने वाला तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, और अगर रजिस्टर्ड नहीं रहा तो पहला बोला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग हेल्ड फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉइज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र। यस। टैली ट्रेनिंग सेशंस हेल्ड फॉर मिस्टर मोहक इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये अपना ट्रेनिंग सेंटर किधर है चेक कर लो, क्या बोल दिया है? लोकेटेड इन गुजरात प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू वेरियस पर्सन एट इट्स ट्रेनिंग सेंटर इन गुजरात, तो सर्विस किधर प्रोवाइड की? गुजरात में। फर्क पड़ता है कि मिस्टर मोहक कहाँ से आया? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लिखो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, ये बी टू बी वाला पहला सेक्शन है। एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। आगे ए लिखे इसमें, ए प्रोवाइडेड टू यस इंपॉर्टेंट दोनों, बट इसमें आईटी से मिल जाए सामने वाले को, इसलिए प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। और इसका पर्पज समझा ना, बी टू बी क्यों किया था इसको अपन ने उस दिन, प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। आगे बी प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। Other than registered person shall be the location where perform. ठीक है, पहले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज शैल बी महाराष्ट्र बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, और सेकेंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर टैली ट्रेनिंग सेशंस हेल्ड फॉर मिस्टर मोक शैल बी गुजरात। बोला क्या क्या क्या? किसने? मैंने। हाँ ट्वेल्व टू देखना पड़ेगा सिंपल, वो किधर कवर्ड है क्या, तो ट्वेल्व टू में आना पड़ेगा। ट्वेल्व टू क्या बोलते हैं देख ले, है ना? नहीं मैंने वो कंपनी को सर्विस दी, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो को सर्विस दिया मैंने ऐसा। वॉट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी
फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट फॉर अ स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स. इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? B2B वाला था. इसमें क्या था B2B का कंडीशन? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, किसी और को किया तो प्लेस वेयर द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, और अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो हाँ प्रपोर्शन कैसे बांटे, कैसे कौन से रेशो में, हाँ गैप के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे. ठीक है, एज पर सेक्शन 12(7) ऑफ IGST एक्ट 2017. इंपॉर्टेंट है IGST एक्ट, CGST गलती से एग्जाम में लिख के आ गया ना, मार्क्स कट जाएंगे. IGST लिख के आना इसमें. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ, एक मिनट एग्जैक्ट क्या लिखा देखते थे, बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग और सिमिलर इवेंट्स. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक कल्चरल स्पोर्टिंग और सिमिलर इवेंट्स. And services ancillary thereto shall be इसमें दो कंडीशन रहेगा. पहला अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन. सेकेंड प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, सेकेंड रहेगा इवेंट इज ऑर्गेनाइज लिख देता हूं, इफ प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन. और मल्टीपल स्टेट्स में रहा तो एरिया नहीं रे, हाँ द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई. देखो एग्जैक्ट ऐसा याद रहा तो ये लिख सकते हो, नहीं रहा तो डायरेक्टली अपने जो ऊपर लिखा ना वैसे भी लिख सकते. द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be determined on the basis of generally accepted accounting principle. ठीक है, अभी इधर इन लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है स्पोर्ट्स फेडरेशन, नॉट रजिस्टर्ड. और ऐसा क्यों अज्यूम किया? क्योंकि आगे बोल दिया ना हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स. अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन रजिस्टर्ड होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? तो उसमें मल्टीपल स्टेट्स में होता तो अभी कुछ फर्क पड़ता क्या? एग्जैक्टली. तो इधर इन लोगों ने वही अज्यूम कर दिया कि दैट इज नॉट रजिस्टर्ड. Generally accepted accounting principles. Clear है क्या? Clear है क्या? Clear है क्या?
Determine the place of supply in the following independent cases. Grand Gala events and event management company at Kolkata organizes two award functions for Kalyan Jewelers of Chennai, registered in Chennai, at New Delhi and at Singapore. Kalyan Jewelers ke liye event arrange kiya. Kalyan Jewelers is registered in Chennai, to place of supply kya ban jayega? लेकिन इवेंट तो न्यू दिल्ली में हुआ है और सिंगापुर में हुआ है, फर्क नहीं पड़ता. इन दिस केस लोकेशन ऑफ द सप्लायर कोलकाता एंड रेसिपिएंट इज चेन्नई एंड रेसिपिएंट दैट इज कल्याण ज्वेलर इज रजिस्टर्ड इन चेन्नई. देयरफॉर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लायर दैट इज चेन्नई इन बोथ केसेस इवेंट हेल्ड एट न्यू दिल्ली एंड और एट सिंगापुर. फर्क नहीं पड़ता इवेंट किधर है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी चेन्नई. और नीचे वाला Perfect Planners is hired by Dr. Kelvin, unregistered person based in Kochi, to plan and organize his son's wedding at Mumbai. So place of supply kya ban jayega? Will your answer be different if the wedding is to take place at Malaysia? Kya hoga usme answer phir tera? Kya re? बता क्या होगा, देख लेते एक बार. इन दिस केस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज कोची एंड रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड दैट इज मुंबई. एंड इफ द वेडिंग इज टू टेक प्लेस एट मलेशिया दैट इज आउटसाइड इंडिया, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. याद है क्या? देख ले एक बार किधर गया. If the event is held outside India, the place of supply shall be location of the recipient. इधर भी आ गया वो immovable property वाला, इसमें भी आ गया. Clear? Answer change होगा बराबर है. क्या रे? निधि, answer change होने वाला था. बाहर वाला place ले वो गलत किया, मुंबई लेना था उसको, कोची लेना था, sorry कोची. किधर का है वो doctor? कोची. समझा ये वाला? पीछे सो रही है क्या तुम? लिखो, एज पर सेक्शन 12(7) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट. आगे ने वो लिखो ना पहला, कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग, वो क्या है इधर लिखा था ना, पर इधर क्या ये कट कर दे, इधर लिखो ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग बिजनेस और सिमिलर इवेंट. ये पहले केस में कल्याण ज्वेलर था इसलिए मैंने बिजनेस लिख दिया उधर, बिजनेस और सिमिलर इवेंट. इसमें पहला क्या रहेगा? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लिख देते फर्स्ट ए. To a registered person shall be of such or B to any person other than registered person. Shall be the place where event is actually held, actually organized. इस पे लिखना पड़ेगा however, if the event is organized outside India, then the place of supply shall be the location of the recipient. However, if the event
क्लियर? बढ़िया क्या 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 क्यों मुंबई बाहर हो रहे हैं इंडिया के, इसलिए अपन वो स्पेसिफिक प्रोविजन वही है कि तो कोचे में लेना चाहिए। थ्री पॉइंट एट सुप्रा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेज एन अवार्ड फंक्शन फॉर चिराग डायमंड मर्चेंट्स ऑफ वाराणसी रजिस्टर्ड इन मुंबई, सॉरी रजिस्टर्ड इन यूपी एट मुंबई, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लाइड बाय सुप्रा इवेंट्स। यूपी होगा। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अवार्ड फंक्शन इज ऑर्गेनाइज एट मॉरिशियस इंस्टेड ऑफ मुंबई? सेम ही होगा आंसर, क्योंकि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इसलिए। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू अ कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जीबिशन और सिमिलर इवेंट्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। इन द गिवन केस सिंस द रेसिपिएंट दैट इज चिराग डायमंड मर्चेंट्स इज अ रजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द recipient that is Varanasi, UP. Further, the place of supply will not change even if the award function is organized at Mauritius instead of Mumbai as the location of recipient remains unchanged. Thus, in that case also, place of supply is the location of the recipient that is Varanasi, Mumbai. Easy? 3.9. What is the place of supply of services by way of transportation of goods including by mail or courier when both the supplier and the recipient of the service are located in India? Registered hai to location of recipient, idhar bhi B2B kaam karta hai, aur unregistered hai to jahan pe goods handover kiye for transportation. 12.8 likho isko. पहला और दूसरा दोनों ये मत लिखना, प्रोविजो नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। क्या हो गया सिद्धि, कुछ मेरे को बोल जोक, कब से हंस रही है? क्या कर रही है, कह रहे वीडियो फनी है बट क्या है?
टाइम पास कर रहे थे बोलना, फिर मान लूंगा मैं, ठीक है? टाइम पास कर रहे थे, लिखना रह गया, ऐसा बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पास कर रहे बच्चे तेरे फोन के साथ। वॉट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड बैक टू मुंबई? और रजिस्टर्ड रहा तो B2B वाला कंडीशन है। If a person travels from Mumbai to Delhi, place of supply will be Mumbai and back to Mumbai. Return journey will be treated as separate journey. लिखे 12 subsection 9. मतलब? हाँ बट इधर assumption वही है कि B2B नहीं है। लिखो रे, ये क्या रे, पागल है क्या तू? दे फोन दे, हो गया सब, लिख जल्दी अभी। अच्छा इसमें अजम्पशन क्या है कि बंदा रजिस्टर्ड नहीं है? अगर बोला है मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि तुम लोग लिखो कि रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। दिवेश शांत बैठा आज, हाँ लिखना पड़ेगा। सेकंड सेकंड ही तो इम्पोर्टेंट है इधर। हाँ क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या हो गया? ठीक है ना, कितने लिए निकाल देना उसको। इसको ही खड़ा रखो उधर। तेरे शक्ल पे आवाज उठ रहा है, इधर कुछ बोल। शिवानी अच्छा आदत हो गई क्या उसको? लिखो 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 लिखो, मेरा नाम मत लिख के उधर फिर। हाँ फिर ये तो लिखना पड़ेगा ना, इधर तक फर्स्ट लाइन तक कर। हाँ वो लिखेंगे आप, नीचे लिखो किधर क्या। हाँ ये रिटर्न जर्नी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी, यस यस वो लिखना। मेरे को लगा तो राइट टू पैसेज का पूछ रही थी। Right, return journey will always be treated as a separate journey. समझ रहे हैं सबको, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस बनने वाले इस पर। बाकी सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए थे इसलिए चैप्टर डाला है। नहीं सच्ची में, क्योंकि बहुत रिपीट क्वेश्चन आते रहते GST में, तो अभी इसमें से एकदम नए क्वेश्चन आएंगे। हाँ वो स्टडी लीव में ना, स्टडी लीव में फेब्रुवरी। हाँ रिवीजन के साथ डन। आलोक तू जाना है ना,
place of supply for the forward journey from Mumbai to Delhi will be Mumbai, the place where he embarks. However, for the return journey, place of supply will be Delhi, as the return journey is treated as a separate journey. Messrs. King Size Airlines has issued a ticket pass to Mr. Saxena, the winner of annual lucky draw, for travelling to anywhere in India. Determine the place of supply in this case. ये किसकी बात हो रही है? Right to passage की बात हो रही है. क्या लिखा है? देखो pass लिखा है ना. तो इस केस में अपने को तो पता ही नहीं हो कहाँ से embark करने वाला है. तो place of supply क्या बन जाएगा? क्या था कल देखा था ना अपन ने? 12-2 देखना पड़ेगा. Miscellaneous में जाना पड़ेगा. Miscellaneous के हिसाब से place of supply क्या होता है? रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है लेकिन उसका एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस, और बाकी सब केसेस में सप्लायर का लोकेशन. एज पर सेक्शन 12(9) प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी प्रोवाइडेड दैट वेयर द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज and point of embarkation is not known at the time of issue of right to passage, place of supply of service shall be determined in accordance with the provisions of section 12(2). As per section 12(2), place of supply of service shall be. तीन केसेस है इसमें ना? अच्छा वैसे ठीक है. Made to a registered person, then it shall be location of such person. Made to any person other than registered person shall be the location of the recipient where the address on record exists, and in other cases location of the supplier of service. Clear? Likho, 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 likho. Twelve two. नीचे के points. एक दो तीन चार line. समझा ना? सबको समझा क्या? पीछे सुना क्या? सो रही क्या उसको? थोड़ा एक थोड़ा ऐसा धक्का दे उसको. पीछे समझाया क्या बोला उसने? उसने पूछा कि सर इधर अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यों नहीं लिख दिया? क्या लिखा इधर? पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है ना? नहीं, क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन लिख दिया तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा एक्ट में, किधर अनरजिस्टर्ड पर्सन तो डिफाइंड नहीं है. एक्ट में खाली पर्सन डिफाइंड होता है और रजिस्टर्ड पर्सन डिफाइन होता है, तो इसलिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को उस सैंपल सेट में डाल दिया. ठीक है. 13(12) ग्रैंड क्रूज लिमिटेड, अ क्रूज शिप रनिंग फ्रॉम मुंबई टू कन्याकुमारी एंड अगेन टू मुंबई, प्रोवाइड्स ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट सर्विस
टू इट्स पैसेंजर्स, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड द ग्रैंड क्रूज लिमिटेड. बोलो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर सब आ गया इसमें. कन्वेंस में वेसल आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया, ट्रेन आ गया, मोटर व्हीकल आ गया. Place of supply of service on board a conveyance including a vessel, aircraft, train or motor vehicle shall be location of the first scheduled point of departure of such conveyance. नहीं 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 इसमें यह सब नहीं है. रिटर्न जर्नी खाली टिकट के लिए काम में आएगा. यह किसके लिए? ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट सर्विस. वो शिप के ऊपर एंटरटेनमेंट सर्विस दी गई है. जहां से शिप डिपार्ट हुई शैल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर. ऑफ सच क्लियर. बड़े क्या आ गया? तेरा प्रॉब्लम पता क्या? जैसे ऊपर बैठे रहते हो और फर्स्ट रो में सब दिख क्या था टाइम पास. एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड took fixed communication lines on lease from Reliance Jio Delhi for its office in Pune. What will be the place of supply in this case? क्या हो जाएगा? पहले केस में क्या बोल दिया कि पुणे में ब्रॉडबैंड बिठा दिया, मतलब ये फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन किधर बिठाई? पुणे में. तो उसमें पुणे हो जाएगा. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ टोटल कंसिडरेशन ऑफ वन लाख of rupees 1 lakh Reliance Jio fitted the communication lines in three offices of XYZ private limited. Pehla Delhi office, fir Pune office, fir Chennai office. 3, 3, 4, 30, 30, 40 number of points ke basis pe apportion karna padega. Lik 12-11 of the IGST act 2017 place of supply of telecommunication service in case of service by way of fixed telecommunication line shall be the location where. अच्छा इसमें और क्या क्या आता है बताओ मैं एक बार. ये वाला एक रिवाइज कर लेते. 12-11 डिश एंटीना वगैरह इन सब के केस में जहां पे इंस्टॉल किया. पोस्ट पेड सर्विस के केस में एड्रेस बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. और प्रीपेड सर्विस के केस में दो चीजें, अगर किसी एजेंट से खरीदा तो उसका लोकेशन और ऑनलाइन वगैरह जाके किया तो प्लेस वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड. प्लेस वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड एंड इन एनी अदर केस हाँ बोलो. इन एनी अदर केस ठीक लिख ले इसको. शैल बी द लोकेशन वेयर सच फिक्स्ड वेयर सच फिक्स्ड कम्युनिकेशन लाइन्स लाइन्स आर इंस्टॉल्ड for are installed for receipt of service. Hoi dana kidhar gaya? Installed for receipt of service.
आगे क्या लिखेंगे इसमें? Where such fixed telecommunication lines are installed in multiple states, वो ऑपरेशन वाला लिखना पड़ेगा. Then supply of service shall be apportioned. In the proportion of number of points in each such state. Clear? पहले के लिए इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी पुणे, दैट इज द ऑफिस ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड वेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस आर इंस्टॉल्ड. और सेकंड केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द प्रोपोर्शन टू द पॉइंट्स इंस्टॉल्ड एट वेरियस ऑफिसेज ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड. नीचे कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा. देखो रुक जाओ, अभी एक टेबल बना देते इधर, पर्टिकुलर्स और नंबर ऑफ पॉइंट्स. वैल्यू ऑफ सप्लाई दिल्ली ऑफिस, पुणे ऑफिस, चेन्नई ऑफिस. पॉइंट्स कितने हैं? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन दिखा देना साइड में, ब्रैकेट में कैलकुलेशन आना चाहिए इसका. अच्छा, इसमें से कौन सा वाला इंटर स्टेट है और कौन सा वाला इंट्रा स्टेट है? रिलायंस जियो इज लोकेटेड इन दिल्ली. इंटर ठीक है. तो अगर टैक्स निकालने बोल दिया तो इसमें फर्स्ट वाले में लगा देना सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी और बाकी दीचे वाले दो में आईजीएसटी. कुछ डाउट? क्या बाहर से आ रहा है ये.
बस बस दिमाग मत लगा ज्यादा भाई, आराम से। 3.14 दबा ना वो। जल्दी जल्दी आ जाओ, दो क्वेश्चन बचे, मैं किए बिना छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन, कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या होता है मोबाइल कनेक्शन के केस में द लोकेशन। बंद हो गया क्या अभी? ठीक है पढ़ लो, बुक से पढ़ो। As per section 12 of the IGST Act 2017, place of supply of banking and other financial services including stock broking services shall be location, हाँ वो register आजल, ठीक है, मतलब वैसा ये actually थोड़ा गलत ही assumption हुआ, उसका actual पे address नहीं मालूम है अपने को, ऐसा माना जा रहा है उधर, मतलब मुंबई से आया कुल मना ऐसा assume कर ले, ठीक है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी उसमें कुछ डिबेट नहीं कर सकते अपन, बट आइडियली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा प्रॉपर, लिखे भाई उसका एड्रेस पता है कि नहीं पता, शैल बी द लोकेशन। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस shall be the location of the recipient of service, क्या लिखा उसमें, as per the records of the bank, no? As per the records of the supplier of service, if the location of recipient is not known, then place of supply shall be done. Last question. कुछ बोला देखो मैं, उधर से आवाज आया ना, और उधर से सबसे ज्यादा करने का चांसेस तेरे पास ही, इसलिए क्या प्रॉब्लम देखो उसमें, an unregistered person from Gurugram travels by Air India flight from Mumbai to Delhi and gets his travel insurance done in Mumbai, what is the place of insurance service, B2B wala hai ye, agar B2B raha to, B2B nahi raha to, is pe bhi lekin B2B se kuch farak hi nahi padta, apan ne baat kiya tha, to a registered person shall be location of such person, or to a person other than registered person shall be the location of the recipient of service on the records of supplier, idhar B2B se farak hi nahi padta, same hi hai dono, hamesha kya aane wala hai location of recipient hi aane wala, to banda kidhar ka hai ye, Gurugram ka, to place of supply kya ban jayega isme, Gurugram ban jayega, clear, ये वही एक ही केस था जिसमें फर्क ही नहीं पड़ता रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, हमेशा क्या आने वाला है इसमें, उसका लोकेशन ही आने वाला है, किधर था, बैंकिंग में भी था लेकिन बैंकिंग में अलग से और एक चीज लिखी हुई थी इसलिए मैं बोला बैंकिंग वाला देख लेते। एज पर सेक्शन 12(13) ऑफ द IGST एक्ट 2017 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस शैल
बी, नहीं दोनों लिख दो ना इसमें, ऐसा नहीं दोनों लिखना पड़ेगा, ए एक मिनट ए लिखते पहले, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, बी टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपियंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, थैंक यू.